Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to cover the session on how you can clear civil services prelims in 6 months, right? What can be the UPSC CSE strategy, prelims preparation strategy for 6 months, that we are going to cover in today's session. Now, ये जो strategy है, ये आपकी student to student depend करती है. This strategy depends on your eagerness टू क्लियर prelims. आपकी ईगरनेस पर डिपेंड करता है कि आप कितने यू नो हार्ड वर्किंग हो या कितना मन से चाहते हो prelims को क्लियर करना, prelims को यू नो पार करना, बिकॉज prelims इज द की टू योर mains. prelims आपकी mains की चाबी है. नाउ देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, 3 years वर नॉट एबल टू क्वालिफाई इट, बट देर आर स्टूडेंट्स हु कुड क्वालिफाई इट विद इन 3 to 4 months ऑफ प्रिपरेशन. सो दिस इज the answer to the question, if you can clear prelims in 6 month, you know, in 6 months time, it is subjective. ठीक है, it can be inferred that clearing the UPSC CSE prelims depends more on your strategy, how focused you are, and on your acumen, less on the time that you devote. Having said that, 6 months of focused preparation while following a time-tested strategy can surely improve your chances. So let's start the session. Now, first of all, we should understand, सबसे पहले हमें समझना है कि UPSC क्या है. UPSC is a culmination of 3 patterns, 3 phases. 3 phases हैं UPSC के exam में. This UPSC CSE, ठीक है. Here we have 3 phases, 3 phases हैं, ठीक है. First phase is preliminary phase, second is mains, and third is personality test. These are the 3 phases, okay. Prelims, mains, personality test. Now, don't think that prelims is not necessary or prelims is not of much importance, because if you do not clear prelims, you will never be able to sit for mains. Prelims clear nahi hoga to mains mein nahi baith paoge. Aur mains ko lightly le liya to interview tak kaise pahunchoge? If you take mains lightly, how will you reach to the interview stage, right? All these 3 stages have their equal importance. Tino ke hi importance apne aap mein kafi zyada hai. ठीक है, यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ देम. आप इनमें से किसी भी स्टेज को इग्नोर नहीं कर सकते. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहां तक? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन, वी हैव डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन इंडिया. फॉर एग्जांपल, वी हैव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है. वी हैव कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन. वी हैव एनडीए, आईएएस. आप लोग यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हो, आप लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हो सीएससी के लिए, ठीक है. यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी. आईएफएस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूपीएससी. प्रिलिम्स में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन को मर्ज किया गया है. इन प्रिलिम्स बोथ दीज एंट्रेंसेज हैव बीन मर्ज्ड. प्रिलिम्स मर्ज्ड है, दैट इज वाई यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन यू नो योर फॉरेस्ट ऑल्सो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, राइट. आप ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? सो हेयर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. आपको एक बात याद रखनी है, वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू हैव टू फोकस ऑन सर्टन aspects ऑफ सिलेबस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज prelims इज merged. प्रिलिम्स इन दोनों ही एग्जाम्स का मर्ज हो रखा है, इसलिए इसका इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस विच आर कैरिड आउट बाय यूपीएससी. यूपीएससी ये सारे एग्जामिनेशन हर साल कैरी आउट करता है, ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, क्लास शुरू करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. मैं आपको बता देती हूँ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है. नाउ फर्स्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट इज, पहला लेवल होता है स्टूडेंट का सिलेबस, knowing the syllabus, ठीक है. If you do not know the syllabus, I will not consider you as a serious aspirant. ये बात याद रखना, because if you do not know what to study, how will you clear an exam? जब आपको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, ठीक है. So you are not even a serious aspirant if you don't have the knowledge of the syllabus. अगर आपको syllabus by heart रटा नहीं हुआ तो समझ लो आप serious नहीं हो इस exam के लिए. जिस दिन आपको सिलेबस बाय हार्ट रट जाए, और कितने दिन लगते हैं सिलेबस समझने में और रटने में? 2 दिन, ठीक है. ओनली 2 डेज आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. इफ यू आर इन्वेस्टिंग दोज 2 डेज, देन ओनली विद इन 2 डेज यू विल अंडरस्टैंड द सिलेबस. यू आर नॉट इवन अ सीरियस कैंडिडेट इफ यू डू नॉट नो द सिलेबस, बिकॉज यू कैन नॉट एंटर इन टू अ बैटल फील्ड विदाउट नोइंग अबाउट द ऑपोजिट पार्टी, द ऑपोजिट आर्मी. अगर आप अपने एनिमी को ही नहीं जानते तो आप कैसे युद्ध में पार्टिसिपेट करोगे और कैसे जीतोगे? यू विल नॉट विन अ वॉर और अ बैटल इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर एनिमी, ओके. सो
Knowing the syllabus is first step. GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4, essay paper, optional. The language papers, English and regional language. You should know the syllabus by heart. आपको by heart पता होना चाहिए. Health. Health is the topic which is covered under which GS paper. Health topic कौन से GS paper में covered है? It is covered under GS paper 2. ठीक है. When we talk about science and technology, it is covered under GS paper 3. When we talk about disaster management, GS paper 3. Governance, GS paper 2. Society, GS paper 1 and GS paper 2 and essay paper. ठीक है. Society topic जो है वो तीन papers में covered है. GS paper 1, 2 and essay. ठीक है. Point clear हो रहा है. World history is covered under GS paper 1. ठीक है. World history is a part of prelims, yes or no? क्या world history prelims का part है? Prelims के syllabus का? World history is not a part of prelims. World history is only a part of GS paper 1 mains. Not a part of prelims. In prelims only ancient Indian history, medieval and modern Indian history. And within ancient and medieval also, only art and culture is asked. ठीक है? Point clear हो रहा है? So, I will not consider you as a serious aspirant at all if you do not have any knowledge of the syllabus. तो सबसे पहला काम इस सेशन के बाद आपको करना क्या है? सिलेबस पढ़ना है. First thing that you have to do today is, if you don't have the knowledge of syllabus, study the syllabus. Trust me, once you are equipped with the syllabus, you know the syllabus by heart, your journey will become very easy. 6 महीने क्या आप 3 महीने में prelims clear कर सकते हो, अगर आप sincere हो, syllabus आपको पता है, because आप भटकोगे नहीं, you will not get distracted if you know the syllabus. ठीक है, चलो, second level student. First level student who knows the syllabus. Second level पे आप कब आते हो? When you will reach the second level? When you have gone through the previous year question paper. जब आपने previous year question paper पढ़े हैं. Because if you don't know what kind of questions are coming, how are you going to prepare? आप बस पढ़ते जाओगे. You will just go on accumulating the knowledge without knowing what kind of question can come. ठीक है? All your hard work will go straight down into the drains if you don't know what kind of question can come. ठीक है, फ्रॉम वॉट यू आर स्टडिंग. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है. पॉइंट क्लियर. यू आर नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट इफ यू हैव नॉट इवन गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. एंड हाउ मेनी ईयर्स? फ्रॉम 2010 टू 2020. बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. इफ यू लुक एट 2013 2017 क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीलिम्स, क्वेश्चंस आर रिपीटेड. ठीक है, 2013 का क्वेश्चन पेपर और 2017 का अगर आप मैच करो, ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड? 40% क्वेश्चंस आर रिपीटेड. इट्स अ ह्यूज नंबर. 40% बहुत ज्यादा होता है. डायरेक्टली एज इट इज कॉपी पेस्टेड. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेन्स, यू आर प्रिपेयरिंग देम, देन ट्रस्ट मी, योर चांसेस आर गोइंग टू बी वेरी हाई. देखो, आप में और टॉपर के बीच में, जिसने क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, उसके बीच में और एक एस्पिरेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस होता है कि उसने सही स्ट्रैटेजी बिठा ली. ठीक है, दैट पर्सन हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम ना, दैट पर्सन हैज फाउंड आउट द लूप होल. ही हैज अ वेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी. ही हैज बीन अ सीरियस एस्पिरेंट बाय नोइंग द सिलेबस फर्स्ट, एंड देन ही हैज वेरी नाइसली एनालाइज्ड एंड क्रैम्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज ऑफ विच हिज स्कोप ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम इंक्रीज्ड. जिसके वजह से उनका स्कोप जो है वो इंक्रीज हो गया. ऐसा क्यों बोलते हैं कि कुछ बच्चों ने 4 महीने के प्रिपरेशन में क्लियर कर लिया? आरतिका शुक्ला मैम, शी सेज दैट आई क्लियर द एग्जाम विद इन 6 months ऑफ प्रिपरेशन, राइट? शी इज नॉट बोस्टिंग अबाउट इट. वो ऐसे झूठ नहीं बोल रही है, कोई पागल नहीं है. शी इज जस्ट टेलिंग यू द राइट स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट. जितना आप हैबिट में लाओगे कि आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को लड़ने के लिए, उतना ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन दिखाओगे. अगर बैठे रहोगे, खाते रहोगे, तो बैटलफील्ड में क्या घंटा प्रदर्शन दिखाओगे? पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? इफ यू आर नॉट ट्रेनिंग योर मसल्स, हाउ आर यू गोइंग टू यू नो पार्टिसिपेट इन द बैटलफील्ड? मोटे हो जाओगे, कैसे जाओगे बैटलफील्ड में? बट इफ यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ इन द बैटलफील्ड विद इन वन स्ट्राइक, यू कैन जस्ट डिमोलिश द एंटायर ऑपोजिट पार्टीज आर्मी. एक ही स्ट्राइक में, एक ही वार में गिरा दोगे लोगों को. तो यहां पर बात आती है ट्रेनिंग की, सेल्फ ट्रेनिंग. हाउ यू आर गोइंग टू सेल्फ ट्रेन योर सेल्फ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. माइंड खुल जाएगा, ट्रस्ट मी, इफ यू जस्ट यू नो रिवाइज दिस क्वेश्चन पेपर. अगर आप ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, आपके 40% चांस तो बढ़ गए. ठीक है, 40% तो कहीं नहीं जा रहा. पॉइंट क्लियर?
चलो नाउ इतना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन सा टॉपिक कौन से क्वेश्चन में पूछा गया है. इतनी प्रैक्टिस स्ट्रांग करनी है. देखो यूपीएससी है, ठीक है, इस यूपीएससी को क्लियर करके आप कंट्री की, डिस्ट्रिक्ट की, एक जिले की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने वाले हो. यू आर गोइंग टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस नेशन. यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ डिस्ट्रिक्ट, अ विलेज, अ सिटी, अ डिपार्टमेंट, राइट? दिस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, खुश हो गए. नहीं, इस एग्जाम से आपको जिम्मेदारी उठानी है देश की, ठीक है? तो इसलिए आपको अभी से ट्रेन करना है खुद को. पॉइंट क्लियर? नाउ थर्ड लेवल स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट सीरियस एस्पिरेंट हु कवर्स द लास्ट 1.5 to 2 ईयर्स करंट अफेयर्स डिलीजेंटली. वो बच्चा जो कि पिछले 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स को बहुत सिंसियरली कवर करे, वो है सही मायने में एक सीरियस एस्पिरेंट जो कि क्लियर करेगा ही करेगा. कोई चांस ही नहीं है कि क्लियर ना हो, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो वी हैव फर्स्ट डिस्कस्ड द 3 लेवल्स ऑफ बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट हु कैन क्लियर दिस एग्जाम विद इन 6 months ऑफ प्रिपरेशन. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन लेवल से. देखो, अगर आपको लगता है कि 6 महीने में एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जरूर होगा अगर आपकी फाउंडेशनल नॉलेज है, ठीक है? दिस एग्जाम कैन बी वेरी इजीली क्रैक्ड विद इन 6 months ऑफ प्रिपरेशन इफ यू हैव बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज. एंड हाउ विल यू बिल्ड अप दैट पर्टिकुलर फाउंडेशनल नॉलेज? बाय कवरिंग द एनसीईआरटीज. चलो, सो ओवर हियर बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज, इफ यू डू नॉट हैव दिस नॉलेज बेसिक एनसीईआरटी, देन क्लियरिंग प्रिलिम्स बिकम्स टफ बिकॉज प्रिलिम्स इज 80% एनसीईआरटीज. प्रिलिम्स का जो पेपर है वो 80% कोर कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी से निकाले जाते हैं, द कोर कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एनसीईआरटी, ठीक है, एंड एम लक्ष्मीकांत बुक. तो आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री की एनसीईआरटी बेसिक कोर फाउंडेशनल एनसीईआरटीज हैं. नाउ हाउ मेनी एनसीईआरटीज यू हैव टू कवर? स्टूडेंट्स कवर एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to class 12. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. वॉट यू कैन डू इज इफ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम विद इन 6 months, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक. For history, class 9 to class 12th, old NCERT you have to cover. For sociology, geography, pol science and economics, class 11 to class 12th NCERT. In geography, you have to cover the new NCERTs. Geography में आपको नई NCERTs cover करनी है, ठीक है? Point clear हो रहा है सभी को? Now here, when we are studying NCERTs, how many days or month you have to invest in covering the NCERT? If you are serious, even if you are a first beginner, first time prepare कर रहे हो, NCERTs you all have studied in your school time. आपको बस memory में refresh करना है. You have to refresh it in your memory. You can complete these NCERTs within 1 month. अगर आप आज से शुरू करो, if you start from today, within 1 month, you can clearly cover these NCERTs. एक महीने में आप cover कर सकते हो आराम से. कोई toughness नहीं है. अगर आप serious हो, now only the non-serious students will say, ma'am, it is impossible to cover NCERTs in 1 month. सिर्फ एक non-serious student ही बोलेगा. एक serious sincere student है ना, उसको पता है कि मैं अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, NCERT निकालूंगा, ठीक है? Only a serious student knows that this exam means a lot to me. And I'll do everything, every you know kind of sweat, every drop of sweat I will invest to complete this. ठीक है, पॉइंट क्लियर? दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ नॉन सीरियस स्टूडेंट. व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, दीज क्वेश्चंस कम इन द माइंड ऑफ अ डाउटफुल एस्पिरेंट. अगर आपने डिसीजन ले लिया यूपीएससी का, अब पलटना नहीं है. यू हैव टेकन द डिसीजन ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम. नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, नो प्लेस फॉर डाउट्स, नो प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, पॉइंट क्लियर? नाउ इफ यू हैव अ फाउंडेशनल बेसिक नॉलेज ऑफ एनी ऑफ दीज एनसीईआरटीज, मान लो यू हैव कवर्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी ऑलरेडी और यू हैव कवर्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी ऑलरेडी, देन यू विल टेक ओनली 20 days टू कवर द रेस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज. अगर आपने ऑलरेडी इसमें से कुछ एनसीईआरटीज कवर की हैं तो 20 दिन का समय लगेगा. फर्स्ट टाइम रीडिंग आपकी कवर हो जानी चाहिए 1 महीने के अंदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम डू वी हैव टू मेक नोट्स आफ्टर स्टडिंग एनसीईआरटी? नो नीड, ठीक है? आप नोट मेकिंग शुरू नहीं करेंगे जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होती. एटलीस्ट 1 reading ऑफ एनसीईआरटी शुड बी कंप्लीटेड, ओनली देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स. बिकॉज इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू रीड एवरीथिंग, यू विल फाइंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट एंड यू विल नोट डाउन एवरीथिंग इन योर रजिस्टर. अभी पढ़ना शुरू किया है, पहले समझो. बिना समझे लिखने लगोगे तो पूरी नई किताब बना लोगे, ठीक है? इफ यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग नोट्स विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, यू विल एंड अप क्रिएटिंग अनदर सेट ऑफ बुक्स फॉर योर सेल्फ. ठीक है, नोट मेकिंग्स पर्पस इज, नोट मेकिंग का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट मेकिंग? सिंपल,
नोट मेकिंग मीन्स सो दैट ड्यूरिंग द रिविजन यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द बुक्स ऑल ओवर अगैन. विद इन फ्यू पेजेस यू कैन रिवाइज द इंटायर बुक. नोट मेकिंग का यही पर्पज होता है कि फिर से एग्जाम से पहले किताब ना खोलनी पड़े. क्या फायदा उस नोट्स का जब आपकी किताब ही खोलनी पड़ जाए. ऐसे नोट्स का क्या फायदा जो किताब जितनी ही मोटे हो. ठीक है, मेक श्योर वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर स्टडिंग ओनली 10-15% ऑफ दैट एंटायर कॉन्टेंट शुड बी समराइज इन नोट्स. फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड टूडे 100 words. मान लो आपने 100 pages यू हैव स्टडीड टूडे. लेट्स अज्यूम इसका 10% ही आपका यानी कि 10 पेज में इस 100 पेज को समराइज कर दो. विद इन 10 पेजेस यू हैव टू समराइज दीज 100 पेजेस. योर नोट मेकिंग शुड बी सच कंसाइज सर इन अ कंसाइज मैनर. आपका नोट मेकिंग एकदम इतना कंसाइज मैनर में होना चाहिए कि 100 पेज पड़े हैं उसको नोट आप 10 पेज में बना दोगे. अगर इससे ज्यादा है तो आप नोट नहीं बना रहे हो, आप बस एज इट इज रट्टे यू नो कॉपी पेस्ट कर रहे हो. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर यू नो एंडिंग अप मेकिंग नोट्स ऑफ अ टॉपिक इन 50 पेजेस और यू नो मोर देन 10% अगर आपके पेजेस लग रहे हैं नोट बनाने में, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू आर नॉट समराइजिंग और यू नो मेकिंग थिंग्स कंसाइज. You are just burdening yourself and then at the end what you will do, what will you do? You will be confused. How to revise now? We have so much pages to revise. अब कैसे revise करें? किताब भी हो गई, एक और किताब हमने लिख दी, इसको publish ही करा दो इससे अच्छा. ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप जो भी पढ़े उसको 10-15 pages में ही concise कर लो. This will help you in your exam. And don't think that you have conquered the world after making notes. If you are not revising them, you have done nothing. You have wasted your time. ये मत समझना notes बना लिए अब तो जीत लिया भाई, जीत गए, बन गए IAS. नहीं, ठीक है? Notes बनाने के बाद revise नहीं किया तो कुछ नहीं किया. Because for a day or two, you can retain things. After third day, fourth day, you will start forgetting things. एक दिन, दो दिन याद रहेगा जो पढ़ा. चौथे दिन भूलना शुरू हो जाओगे. गजनी है हम सब. We all are गजनी, right? Within 2-3 days. We start, you know, forgetting things. So revision is a key to conquer this exam. Is exam ko agar clear karna hai, so revise a lot. Whatever you study, keep on revising it. Bhoolna nahi hai. Bhool gaye to fir kya? Mehnat waste. Theek hai, point clear ho raha hai sabhi ko. So I have told you to start with the NCERTs. Do not jump on the static books. You will get highly confused and demotivated. Theek hai, point clear yahan tak. अब बात आती है स्टैटिक बुक्स की. वंस यू हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी यू हैव द फाउंडेशनल नॉलेज विद इन 1 month. एक महीने में आपकी फाउंडेशनल नॉलेज स्ट्रांग हो गई. नाउ स्टैटिक बुक्स. नाउ हियर डू नॉट जस्ट रन आफ्टर एवरी बुक अवेलेबल इन द मार्केट. लर्न द आर्ट ऑफ सेग्रीगेटिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट. नाउ व्हेन यू स्टार्ट विद द स्टैटिक बुक्स, जब आप स्टैटिक बुक्स से स्टार्ट करते हो, Here comes the role of current affairs. यहाँ आता है current affairs का role. Now some students they have this doubt, ma'am how to cover current affairs also? We are studying polity. Now we have to cover current affairs also. अरे why you are separating current affairs from the static subject? Both are same. Polity में current affairs नहीं होते क्या? Are there no current affairs in polity? Or are there no current affairs in economy? ठीक है? UPSC is all about current affairs only. You are going to be an administrator. Nothing historical will be asked from you. आपसे कुछ historical नहीं पूछा जाएगा. What is going on in the current affairs, in the current events, that will be asked. Polity is a dynamic subject. Even art and culture is a dynamic subject because all of these are current affairs oriented. ठीक है, ये सारे subjects आप art and culture में देख लो, हर दिन आपकी you know GI tag की list update होती है. Every day your geographical indication tag list they get you know they are updated. Point clear हो रहा है? ठीक है, तो इसीलिए आपको करंट अफेयर नहीं भूल. सो लिंक दीज करंट अफेयर्स विद द न्यूज विद द स्टैटिक बुक्स. नाउ हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स. सी यू हैव टू पिक 1 newspaper. सबसे पहले एक न्यूज़पेपर पिक कर लो. इट शुड नॉट बी हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया. इट कैन बी ईदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. इन दोनों में से कोई एक, एनी वन आउट ऑफ दीज टू, एनी वन. Don't waste your time in studying the 2 newspapers together because everything is same in both the newspaper. Time waste नहीं करना. एक newspaper cover करने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं. दोनों पढ़े तो पूरे दिन newspaper ही पढ़ते रहोगे. ठीक है, so pick 1 newspaper, either the Hindu or the Indian Express. It depends on you. Again, ये आप पे depend करता है. ठीक है, so any 1 newspaper and according to the GS syllabus, you have to filter the articles in the newspaper.
न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को जीएस के हिसाब से ही फिल्टर करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? एंड देन व्हाट यू कैन डू, ओपन अप द न्यूज़पेपर, फर्स्ट 5 मिनट्स शुड बी इन्वेस्टेड इन फिल्टरिंग, हाईलाइटिंग द आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू जीएस पेपर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द न्यूज़पेपर, मान लो ये न्यूज़पेपर है। ओके, आई विल गिव यू अ यू नो हिंट ऑल्सो, एग्जाम्पल ऑल्सो। Everybody can see this slide. सब बच्चे ये स्लाइड देख पा रहे हैं, जल्दी से बताएं। ठीक है, अब देखो, दिस इज टूडेज न्यूज़पेपर। ऑन फर्स्ट पेज वी हैव अ न्यूज़, फ्री वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स। नाउ सब टॉपिक कौन सा है? हेल्थ, जीएस पेपर 2 में आएगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो फॉल अंडर जीएस पेपर 3, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीएस पेपर 3 में भी आएगा, जीएस पेपर 2 में भी आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? So what I have done, in the newspaper I have filtered the news article, I have written GS paper 2 and I have written subtopic also, मैंने subtopic भी लिख दिया है कि भाई ये जो article है ये इस paper का इस subtopic से related है। ठीक है, another news clipping I'll show you, मैं एक और news clipping आपको दिखाती हूँ। Everybody can see this, this is the news on first page, ये page 1 पे news थी, LET leader held ahead of FATF meet। FATF, GS Paper 2, International Relations, Related Bodies and Organizations. तो यहाँ पर I have marked that this news belongs to GS Paper 2. What we have to study? FATF, what is it? What is the aim? Year of formation, objective? There are 2 lists in FATF, black and grey list. What is the impact of FATF on international relation? How does this FATF function? And accordingly, I have created this note. ये मैंने छोटा सा note बना लिया कि भाई FATF के बारे में ये basic आधे page की information. इससे क्या होता है, आपको इस तरीके से notes बनाने हैं. This is how you have to study the newspaper. And in a newspaper, in a day, not more than 12 articles are important. Sometimes only 4 news articles are important. पूरा newspaper नहीं पढ़ना होता, उतना ही जो GS syllabus wise important है. That is why I told you that knowing the syllabus is mandatory. If you don't know the syllabus, nothing can sail you through this exam. अगर syllabus ही नहीं पता, कोई नहीं पास करा सकता, कोई टीचर पास नहीं करा सकता, अगर आपको अपने आप से syllabus की जानकारी जीरो है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? सो वॉट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू लिंक द न्यूज आर्टिकल्स विद द स्टैटिक बुक, स्टैटिक सब्जेक्ट्स. ओके, पॉइंट क्लियर? नाउ स्टैटिक बुक्स के साथ आपको करंट अफेयर्स लिंक करना है. हाउ टू कवर प्रीवियस ईयर्स, यू नो प्रीवियस करंट अफेयर्स, बैकलॉग जो गया उसको कैसे कवर करें? फॉर दैट वी हैव करंट अफेयर मैगजीन्स अवेलेबल ऑनलाइन. अनअकैडमी की आर्टिकुलेट मैगजीन है, ऑनलाइन अवेलेबल है. विद इन 2 डेज और 3 डेज कवर जैन 2020 करंट अफेयर मैगजीन. देन विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज कवर फेब्रवरी मंथ्स, फेब्रवरी 2020 करंट अफेयर मैगजीन. ठीक है, फिर 3 दिन का टाइम लगाओ और आप जो आपका मार्च मंथ की करंट अफेयर मैगजीन है उसको कवर करो. ठीक है, न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर मैगजीन आर इनफ फॉर कवरिंग करंट अफेयर. नाउ अलोंग विद द स्टैटिक बुक्स स्टार्ट नोट मेकिंग. अब आपको नोट मेकिंग शुरू करना है. नाउ इन नोट मेकिंग हाउ टू मेक नोट्स. अब नोट्स कैसे बनाने हैं? आई हैव टोल्ड यू, वॉट एवर यू स्टडी, समराइज इट विद इन 10% वर्ड्स और 15%. 10-15% में समराइज कर देना है. इफ यू हैव स्टडीड 100 पेजेस, मेक श्योर विद इन 10 पेजेस यू हैव समराइज दोज 100 पेजेस. ठीक है, एंड मेक नोट्स जीएस टॉपिक वाइज. जीएस टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव अ सेपरेट रजिस्टर फॉर जीएस पेपर 1, एंड दैट रजिस्टर शुड ऑल्सो बी सेग्रीगेटेड बाय सब टॉपिक वाइज. वो रजिस्टर भी सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेट होना चाहिए. फॉर हिस्ट्री, फॉर ज्योग्राफी, फॉर सोसाइटी, सेपरेट मार्किंग होनी चाहिए. ठीक है, देन जीएस पेपर 2. सो नाउ मेक नोट्स जीएस वाइज. ठीक है, एंड देन इंडेक्सिंग इज रिक्वायर्ड, क्रिएट इंडेक्स. ठीक है, आपको करना क्या है, इंडेक्स रिक्वायर, इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्रिएट इंडेक्स. ठीक है, नाउ A4 साइज शीट पेपर आप यूज कर सकते हो, बिकॉज एनी करंट अफेयर अपडेट यू हैव टू ऐड इन योर रजिस्टर. ठीक है, यू कैन ऐड न्यू पेजेस. अगर आप A4 शीट्स में नोट्स बना रहे हो ना, तो आप पेज बीच में ऐड कर सकते हो, कोई टॉपिक नया आप पढ़ रहे हो उसको ऐड कर सकते हो. बट इफ यू आर मेकिंग नोट्स इन रजिस्टर्स, देन देर इज नो स्कोप टू फर्दर ऐड और यू नो डिलीट एनीथिंग. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू स्टार्ट मेन्स आंसर राइटिंग. 6 मंथ्स के अंदर चलो हम स्टैटिक बुक्स तो कवर कर लेंगे, बट मेन्स आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें? वेरी इजी, बहुत इजी है, इसका तो प्रॉब्लम ये है ही नहीं, दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम. ठीक है, वॉट यू कैन डू इज, फॉर एग्जाम्पल टूडे यू हैव स्टडीड अबाउट क्लाइमेट. आज आपने क्लाइमेट पढ़ा ज्योग्राफी में. ओके, आफ्टर स्टडिंग दैट चैप्टर,
try to find question related to climate monsoon in the previous year question paper. I am supposing that you have all the previous year question paper. मैं suppose कर रही हूँ कि आपके पास previous year question paper होंगे. आपने इतने serious तो कि आपने PYQ download किया है. ठीक है? So I think that you are serious enough that you have know the syllabus and PYQ you have it. अगर ये दो चीज़ नहीं है, I am not considering you as you know serious aspirant. If you do not know the syllabus, if you do not have the PYQ, I will not consider that aspirant as a serious aspirant. Okay? So first thing, when you jump in UPSC, jump with two weapons. ये आपके दो शस्त्र हैं, ठीक है? Search the PYQs. और PYQs में क्या करना है, सर्च द टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड इन द मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ट्राई टू सर्च द क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट एंड मॉनसून एंड यू हैव स्टडीड टुडे द चैप्टर. ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो पहले अटेम्प्ट में आप परफेक्ट मास्टर आंसर लिखोगे, नहीं हो सकता ऐसा. ठीक है? डोंट थिंक दैट विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई विल राइट मास्टर यू नो मास्टर स्ट्रोक एंड आई विल राइट अ परफेक्ट आंसर. नो, विद प्रैक्टिस एवरीथिंग डेवलप्स. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कैसे? ठीक है? तो इसलिए डेली हैबिट बनाओगे तो मास्टर बन जाओगे, बट डेली हैबिट नहीं बनेगी तो फिर टाइटाइफिस. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, लेट से यू हैव स्टडीड एनसीईआरटीज. ठीक है? आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली एंड इन द स्टैटिक बुक जी सी लियोंग यू हैव कवर्ड क्लाइमेट एंड मॉनसून. ट्राई टू सॉल्व द बैक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटीज ऑन दैट टॉपिक. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू राइट. अगर पहले आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, लिखना ही शुरू नहीं किया, तो फिर डाउट होगा. इफ यू हैव रिटन इवन वन आंसर, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस. ठीक है? पॉइंट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? इट्स वेरी इजी एंड यू कैन क्लियर इट. डोंट वरी अबाउट इट. इसमें डरने वाली बात नहीं है. आफ्टर यू हैव डन ऑल दीज नोट मेकिंग, यू आर रिवाइजिंग इट. नाउ यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ. अब आपको ट्रेन करना है खुद को. कैसे ट्रेन करोगे? टेस्ट सीरीज के थ्रू करोगे. घबराने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है? देर इज नो नीड टू गेट स्केर्ड. डरो मत. 6 महीने में काफी क्लियर हो सकता है अगर आप डेली 8 घंटे देने को तैयार हो. इट्स क्रैकेबल. ठीक है? 2 टेस्ट सीरीज लगा लो. टेक 2 टेस्ट सीरीज. अब कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो? देखो, कोई भी फ्रीली अवेलेबल टेस्ट सीरीज भी है. आप अनअकैडमी के फ्री टेस्ट भी दे सकते हो. अनअकैडमी इज ऑल्सो कंडक्टिंग फ्री टेस्ट. राइट? फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हो. दे आर गोइंग टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस. और एनी टेस्ट पेपर यू कैन इन द मार्केट ऑल्सो परचेज देम. कोई भी 2 टेस्ट सीरीज लगा लो, बिकॉज यू शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस. आपके पास क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. इफ यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस, देन यू विल बी हाईली ट्रेन्ड. नाउ द स्टूडेंट्स दे से, मैम बट क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड इन प्रिलिम्स. प्रिलिम्स में तो क्वेश्चन आते ही नहीं है. ठीक है? टेस्ट सीरीज के तो भाई नहीं आते तो नहीं आते. आपको तो ट्रेनिंग से मतलब है ना. आपको ये थोड़ी मतलब है कि इसके अगर 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे मैं तभी इस टेस्ट सीरीज को लूंगा. नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता. इट नेवर हैपेंस दैट एज इट इज क्वेश्चन आर रिपीटेड फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज. नो, ऐसा नहीं होता. ठीक है? वाई देन यू हैव टू टेक द टेस्ट सीरीज? टू ट्रेन दिस. ये जो आपका वेपन है ना, आपके पास टूल है इसको ट्रेन करने के लिए. सो बिफोर 2.5 to 3 months ऑफ प्रिलिम्स, गिव ओनली टेस्ट सीरीज. मेन्स की प्रिपरेशन को साइड कर देना. 2.5 से 3 महीने पहले प्रिलिम्स है. सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है. टेस्ट सीरीज ओनली. एंड ट्रस्ट मी, डोंट थिंक दैट यू हैव जस्ट टू गिव द टेस्ट सीरीज, नथिंग एल्स. नो, आफ्टर गिविंग द टेस्ट सीरीज गो थ्रू द सॉल्यूशंस. टेस्ट सीरीज देने के बाद सॉल्यूशंस को रटना है, याद करना है, समझना है. बिकॉज टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू टू लर्न द एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू एलिमिनेट द यू नो ऑप्शंस. यू विल डेवलप योर इंटेलिजेंट गेस एंड स्ट्राइक रेट समझ आ जाएगा आपका. आप कितनी नेगेटिव मार्किंग गैदर कर रहे हो, हाउ मच नेगेटिव मार्किंग यू आर गैदरिंग, दैट यू विल अंडरस्टैंड. एंड देन यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ. हाउ मेनी क्वेश्चन डू आई हैव टू अटेम्प्ट इन द रियल एग्जाम? मेरा भाई स्ट्राइक रेट इतना है कि मैं भाई 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाती हूँ, या मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करेक्ट अटेम्प्ट कर पाती हूँ विदाउट नेगेटिव मार्किंग. तो आप उसी हिसाब से प्रिलिम्स के रियल एक्चुअल एग्जाम में वही रेशियो, वही स्ट्रैटेजी यूज करोगे. इनडिस्क्रिमिनेटली पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोलता कोई. नोबडी विल आस्क यू टू अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चंस. नो, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच कैन सेल यू थ्रू द कट ऑफ. कट ऑफ आप कम से कम 120 मार्क्स तो आप समझ के चलो आपको लाने हैं. अभी तो रिसेंटली कट ऑफ इज गोइंग अराउंड 98. कट ऑफ अभी 98 के अराउंड ही चल रही है. ठीक है? पॉइंट क्लियर? सो एनसीईआरटीज, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, एम लक्ष्मीकांत बुक, एटलीस्ट यू हैव रिवाइज देम 3 times. नोबडी कैन डेयर टू स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग प्रिलिम्स. और इसके साथ करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं.
एंड 6 months टाइम इज मोर देन इनफ का टाइम है, 6 महीने का टाइम, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, ठीक है, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, सो फ्रॉम द न्यूज़पेपर व्हाट यू हैव टू स्टडी, रैंकिंग्स, इंडेसेस, रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बाय की पोलिटिकल पर्सन, सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स, वर्डिक्ट, स्टेटमेंट्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं, एडिटोरियल्स में हाउ यू हैव टू लीड द एडिटोरियल्स, रीड इट बाय इन द फॉर्मेट ऑफ मेन्स। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो ना, एडिटोरियल सेक्शन मेन्स में आपके चांस क्लियर करने के 80% हाई हैं। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर द एडिटोरियल सेक्शन डिलीजेंटली डेली, ट्रस्ट मी, इन मेन्स योर चांस टू क्लियर मेन्स इज 80% हाई। पॉइंट क्लियर? सो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर रीडिंग तो मस्ट है, प्लस विद दैट करंट अफेयर बुकलेट्स जो आती हैं वो आपको बैकलॉग्स कवर करने में हेल्प करेंगी। वॉट एवर फैक्ट्स यू हैव मिस्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यू कैन कवर इट ईजिली फ्रॉम द बुकलेट्स, करंट अफेयर बुकलेट्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट टू ईज योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। उनका मकसद ये है कि आपके प्रिपरेशन को ईजी बनाए, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द टाइम टेबल, टाइम टेबल देख लेते हैं आप थोड़ा सा। देखो प्रिलिम से पहले बी मेन्स रेडी, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू बी, यू नो हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेन्स। वॉट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, ट्राई टू सर्च क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड रिवोल्ट ऑफ 1857 टूडे, रिवोल्ट ऑफ 1857 इज एवरी ईयर आस्क्ड इन मेन्स, ऑल्टरनेटिवली हर साल पूछा जाता है, इतना कॉमन टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, पिकअप एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ट्राई टू सॉल्व इट। और यू कैन विजिट यू नो अनअकैडमीज ऐप ऑल्सो, देयर ऑल्सो मेन्स रिलेटेड फ्री प्रैक्टिस सेशंस आर कंडक्टेड। देन कंप्लीट योर ऑप्शनल टिल मार्च, मार्च तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। एन ऑप्शनल शुड बी दैट सब्जेक्ट ओनली इन विच यू आर इंटरेस्टेड, आउट ऑफ पीयर प्रेशर, आउट ऑफ यू नो द रैंकिंग्स, सक्सेस रेट का जो रैंकिंग होती है वो देखने के बाद, आउट यू नो आफ्टर सीइंग एनी इंटरव्यू ऑफ अ टॉपर, इफ यू आर पिकिंग अप एन ऑप्शनल देन यू आर लूजिंग, देन यू आर प्रिपेयरिंग टू लूज इन मेन्स। अगर आप किसी की कही सुनाई बातों पे आकर ऑप्शनल उठा रहे हो या टॉपर का इंटरव्यू देखकर ऑप्शनल पढ़ रहे हो, इसका मतलब वेस्ट है। ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, पिक दैट सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल। इट कैन बी मैथमेटिक्स ऑल्सो, ठीक है, इट कैन बी हिस्ट्री ऑल्सो, इट कैन बी ज्योग्राफी ऑल्सो, मैनेजमेंट ऑल्सो, अकाउंटेंसी ऑल्सो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल स्टडी इट यू नो विथ फुल इंटरेस्ट, हैप्पीनेस। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मर के पढ़ोगे, क्या फायदा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट सीसैट, सीसैट इज अ क्वालिफाइंग पेपर, 33% मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन सीसैट, ओनली देन पेपर वन ऑफ प्रिलिम्स विल बी चेक्ड, वरना पेपर वन में आप पूरे 200 नंबर ले आओ, चेक ही नहीं होगा अगर सीसैट फेल नहीं होता, पास नहीं होता, ठीक है। इफ यू फेल इन सीसैट नोबडी इज गोइंग टू चेक योर पेपर वन इन प्रिलिम्स, इवन इफ यू हैव स्कोर 200 मार्क्स इन इट, ठीक है। सो मेक श्योर डेली 30 मिनट्स, 1 आवर आप सीसैट को दे रहे हो, ठीक है, बी रेगुलर इन प्रैक्टिसिंग सीसैट। फिनिश योर बेसिक बुक्स बाय मार्च, बेसिक बुक्स आर पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, इकोनॉमिक्स आइदर रमेश सिंह और संजीव वर्मा, ठीक है, इन्वायरमेंट शंकर आईएएस, आर्ट एंड कल्चर तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स 11th 12th, ज्योग्राफी एनसीईआरटीज ऑफ 9th to 12th। नाउ दी लैंग्वेज पेपर की जब आप बात आती है, लैंग्वेज पेपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लो, दैट इज इनफ फॉर दी लैंग्वेज पेपर, नो सेपरेट यू नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर यार, वाई आर यू बॉदरिंग अबाउट इट। 25% मार्क्स इसमें लेकर आओगे, कैसे आएंगे, PYQ को जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा, प्रैक्टिस कर लिया कमांड हासिल हो जाएगी, आपको कोई फुल नंबर नहीं लेकर आने। डोंट थिंक दिस इज अ 10th क्लास लेवल एग्जाम और 12th क्लास लेवल एग्जाम वेयर यू हैव टू स्कोर 99% मार्क्स, नो, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग, दैट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 30-35%, 25% तो बॉर्डर लाइन क्वालिफिकेशन है, आपके 30-35% नंबर भी आ रहे हैं पास हो जाओगे, ठीक है। तो इतना हर चीज को ओवर एग्जैजरेट मत किया करो, डू नॉट ओवर एग्जैजरेट एवरीथिंग एंड देन टेक बर्डन, नो। लैंग्वेज पेपर इज ईजी, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवाइज इट, कट ऑफ क्लियर करनी है यार, इतनी टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टेंशन ऑफ द क्वालिफाइंग पेपर्स, यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ, बी स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजी के साथ ही तो होगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो फिनिश दीज बेसिक बुक्स। नाउ अब आप बोलोगे मैम एसए का क्या होगा, एथिक्स का क्या होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीएस पेपर 4, एनी अदर बुक फॉर दैट। देखो एथिक्स इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट इन रिटन, एथिक्स ना आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, रिटन का पर्सनैलिटी टेस्ट।
person. In the interview, you will orally answer the questions. In ethics paper, GS paper 4, you are answering the question of the board in writing. They will give you case studies. ठीक है, तो देयर योर पर्सनैलिटी विल बी टेस्टेड. अगेन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको बुक चाहिए तो आप लेक्सिकॉन की बुक ले सकते हो. यू कैन परचेज लेक्सिकॉन और जी सुब्बा राव, कोई भी एक किताब ले लो, उससे आपके थियोरेटिकल टर्म्स प्रिपेयर हो जाएंगे. फॉर एसे अगेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स, ना नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग एसे. करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, डेली पढ़ रहे हो. If you are daily studying the current affairs, trust my words, nobody can stop you in clearing essay paper. It's the most easiest for a student who is daily reading the newspapers and editorials. Essay kya hai? Jo aap editorials padhte ho, wahi to essay hai. What is essay? The editorials that you are reading, same you have to, you know, convert them into essay. Aapko usi ko essay mein convert karna hai. They will give you a topic, you have to write your opinions backed by facts and proofs. Yes, expanded form. आपको फैक्ट्स और प्रूफ के साथ जो टॉपिक दिया गया है उसी को समझाना है. वो कैसे समझाओगे? हाउ विल यू गिव फैक्ट्स एंड प्रूफ्स इफ यू हैव रेड द न्यूज़पेपर? इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? व्हाट फैक्ट्स यू आर गोइंग टू कोट? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, सोच रहे हो दिमाग में सपने में ऐसे आ जाए, नहीं होगा. फैक्ट्स प्रूफ स्टैट्स डेटा आपको तभी कॉन्टेंट यहाँ तभी आएगा जब न्यूज़पेपर डेली पढ़ा जा रहा है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट एसे. इफ यू आर सीरियस एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स न्यूज़पेपर, ऐसे इज अ वेरी इजी टास्क. ठीक है, सो फ्रॉम जैन 1 एंड अप्रैल 15 इस टाइम पीरियड में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस बोथ. ठीक है, प्रिलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करनी है जैन से लेके अप्रैल तक, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन. फ्रॉम अप्रैल 16 टू 26 जून, बिकॉज 27 जून यू हैव योर प्रिलिम्स 2021, राइट? सो फ्रॉम अप्रैल 16 टू 26 जून ओनली प्रिलिम्स, फोकस शुड बी शिफ्टेड ओनली टू प्रिलिम्स. ठीक है, नाउ आपको करना क्या है, ये मेक श्योर करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग अराउंड 7 to 8 hours ऑफ प्रॉपर स्लीप. बिकॉज अगर स्लीप आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है ना, स्लीप पैटर्न बेकार है, तो रिटेंशन आपका डाउन होता चला जाएगा. रिटेंशन मीन्स द पावर ऑफ द माइंड टू रिटेन थिंग्स, रिटेन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो आप ग्रैप नहीं कर पाओगे चीज़ों को, समझ नहीं पाओगे, एनालिटिकल स्किल्स डाउन हो जाएगी अगर आपकी नींद पूरी नहीं है. बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी सही है, ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट आपका पूरा प्रिपेयर्ड है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू वेक अप, डू नॉट जस्ट स्टार्ट टू यू नो स्टार्ट स्टडिंग और सिट टू स्टडी. नो, फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग इज द आवर विच कैन रिजुविनेट यू, विच कैन प्रिपेयर यू फॉर द होल डे. नो सोशल मीडिया इन द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं देखना. नो क्लासेस, नो मोबाइल फोन, ना कोई क्लास देखनी है ना मोबाइल फोन, पहला घंटा अपने लिए. ठीक है, गो फॉर डू योर एक्सरसाइज, गो फॉर अ वॉक, डू योगा, और इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग जस्ट सिट कामली. ठीक है, इन योर बैल्कनी, बैल्कनी में बैठ गए, छत पे बैठ गए, शांति से जरा एक घंटा चुप होके बैठो. ठीक है, रिजुविनेट योर सेल्फ, अपने आप को रिजुविनेट करना है. ठीक है, पॉइंट क्लियर? देन ऑलवेज रिमेंबर योर गोल्स शुड बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सो फॉर एग्जाम्पल, वीकली टाइम टेबल एंड मंथली टाइम टेबल. इन द मंथली टाइम टेबल यू विल राइट आई विल कवर दीज सब्जेक्ट्स इन दिस मंथ. वीकली टाइम टेबल आई विल कंप्लीट दीज टॉपिक्स इन दिस वीक. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, वीकली और मंथली दो टाइम टेबल होने चाहिए आपके पास. यू शुड हैव टू टाइम टेबल्स. मंथली द लॉन्ग गोल्स, आई हैव टू कवर दीज सब्जेक्ट्स. वीकली मीन्स सब्जेक्ट सब टॉपिक्स वाइज गोल्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नाउ टिल जैन एंड, दिस विल बी द फेज वन. जनवरी के एंड तक फेज वन चलेगा. यू हैव टू डेडिकेट 9 hours डेली. एंड देखो, ये तो जस्ट एक डेमो प्लान है. ठीक है, दिस इज जस्ट अ डेमो प्लान. यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज ला सकते हो. ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली प्लान. सो इन फेज वन वॉट यू कैन डू इज पॉलिटी लक्ष्मीकांत 2 hours यू कैन गिव. ठीक है, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, एनवायरमेंट पढ़ो या इकोनॉमी, 2 hours यू हैव टू गिव इट. ठीक है, एंड ऑप्शनल को 3 hours आपको देना है. करंट अफेयर्स 2 hours. दिस यू हैव टू कंटिन्यू टिल जैन एंड. एंड नाउ सब्जेक्ट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. यू कैन राइट हिस्ट्री ओवर हियर. ठीक है, इस तरीके आई एम जस्ट गिविंग यू अ यू नो आउटलाइन. देन फेज टू, फेब का जो मंथ होगा वो फेज टू होगा. अगेन 8 to 9 hours डेली यू हैव टू डेडिकेट. नाउ हियर वॉट यू हैव टू स्टडी, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑप्शनल, करंट अफेयर्स आई हैव गिवन यू द टाइम लिमिट ऑल्सो. नाउ दिस इज फेज टू. अगेन कमिंग टू फेज थ्री, मार्च टू अप्रैल.
ठीक है. फेज थ्री इज मार्च टू अप्रैल फेज. नाउ हियर 9 to 10 hours डेली यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स अकॉर्डिंग टू योर केपेबिलिटी. आपकी बॉडी की केपेबिलिटी के हिसाब से आप नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हो. ठीक है. सो हियर इकोनॉमी ऑप्शनल 3 hours. इकोनॉमी की जगह आप इसके साथ सी सैट भी ऐड कर सकते हो 30 minutes to 1 hour. करंट अफेयर्स सी ए मीन्स करंट अफेयर्स एंड एनी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट टॉपिक अभी आपका रह गया है. प्लस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है प्लस रिविजन. देन कमिंग टू द लास्ट फेज मे टू जून. हेयर यू ओनली हैव टू फोकस ऑन टेस्ट सीरीज रिविजन्स एंड सी सैट डेली प्रैक्टिस. टेस्ट सीरीज और उसको रिवाइज करना है. टेस्ट सीरीज रिवाइज, टेस्ट सीरीज गिव इट, रिवाइज द सोल्यूशन एंड सी सैट की डेली प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को. तो इस तरीके से आप 4 phases में अपनी प्रेपरेशन को तैयार कर सकते हो. लाइक दिस विद इन 4 phases यू कैन कंप्लीट योर प्रेपरेशन. ठीक है. पॉइंट क्लियर. एंड आपके लिए अनअकैडमी ने 6 महीने का प्रेपरेशन बैच भी, क्रैश कोर्स भी लॉन्च किए हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में थोड़े वीक हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से यू आर वीक अ लिटिल बिट इन इकोनॉमिक्स और द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉल साइंस दे आर वेरी टफ फॉर यू, what you can do that you can join Unacademy's batches which are starting from tomorrow, that is 4th Jan, and I am taking history batches in it. मैं history के batches ले रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर आपको 10% discount भी मिल जाएगा अगर आप use करते हैं code Sharma20. Link मैंने दिया हुआ है description box में, comment section में. ठीक है. Thank you everyone for participating in the class.